हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो सीनरियो जो बनता है मार्केट में, आज सीनरियो का है। देखिए, आज का सीनरियो बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो भी डब्लू रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि डब्लू टी टी है और सपोर्ट जो है वो डब्लू टी बी। तो ये सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इस तरह का सिनेरियो होता है तो मार्केट में क्या क्या देखने को मिलता है, ये हम लोग समझेंगे। पहला बात है कि दोस्तों, मार्केट में जब इस तरह सिनेरियो मिले तो एक बार 18,950 से आपको ट्रेड मिल सकता है और 19,000 से भी एक बार ट्रेड मिल सकता है, मगर एक एक बार करके, दोबारा ट्राई मत करिएगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, बाद में मत बोलिएगा कि लॉस कहाँ होता है, ध्यान से पहले बात को सुनिए। दूसरी बात, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है वॉल्यूम स्टंग, इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। देखिए, इसका जो वैल्यू है वॉल्यूम का, इसका वैल्यू देखिए, दोनों एक है। इसको सिर्फ उठा के मैंने क्या किया, इसको उठा के मैंने यहाँ पर कॉपी करके भेज दिया है ना। तो ये सब चीज़ सिर्फ सिखाने के लिए मैंने इसको बनाया है, तो ये सब चीज़ के लिए कॉमेंट में कुछ मत बोलिएगा। सो दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं कि अगर वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रहा है ना, ये वॉल्यूम अगर देख रहे हैं कि बढ़ते हैं तब क्या होगा, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है सपोर्ट से बेहतरीन एक रिवर्सल देने वाला है कि मार्केट नीचे आदम सियोर जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हम लोग को इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि अगर इसका जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये आस्ते आस्ते ख़त्म हो रहा है, ये पूरा ख़त्म हो जा रहा है, आस्ते आस्ते पूरा ख़त्म हो जाएगा। 75% के बाद ये पूरा एकदम वाइट हो जाएगा, है ना। ये अगर डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज मतलब ख़त्म हो रहा है, डिक्रीज जब होगा तब क्या होगा, तब मार्केट में हम लोग समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है ये जो रेजिस्टेंस से हम लोग को एक ट्रेड मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, 18,900 तक मिल सकता है एक ट्रेड, है ना। पहले बार मगर एक बात है, 18,900 से अगर मार्केट एक बार रिवर्सल दे चुका है, फिर अगर जाएगा तो तोड़ के ये चलाएगा 18,900 में चलाएगा, है ना। ये 18,950 से अगर मार्केट एक बार रिवर्सल दे चुका है तो सेकेंड बार अगर ये पूरा पूरी वॉल्यूम जो दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये वॉल्यूम अगर 75% से कम जाए, मतलब का यहाँ पर पूरा वाइट हो जाएगा, ये पूरा डिक्रीज हो गया, पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर वाइट हो जाएगा, तब क्या होगा, ये एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है, है ना। तो क्या करें, यहाँ पर क्या करें, जब ये ख़त्म होने लगेगा, ये स्ट्रॉन्ग जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई देगा, उस टाइम वॉल्यूम इज स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या, ये पूरा वाइट हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा, ये पीला नहीं रहेगा, ये पूरा वाइट हो जाएगा। वॉल्यूम अगर जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब क्या करना है, हम लोग को रेजिस्टेंस से एक पुट खरीदना है, बिंदास पुट खरीदना है। कहाँ तक खरीदना है पुट, ये 18,950 तक ही पुट खरीदना है। और जब पुट जब खरीदना है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस से हम लोग पुट खरीदते हैं अपना सपोर्ट तक, तो मार्केट सोच लीजिए अपना रेजिस्टेंस में गया, हम लोग पुट खरीदे, पुट खरीद के हम लोग सपोर्ट तरफ जा रहे हैं। अभी सपोर्ट तरफ जब आ रहे हैं तब हम लोग को क्या एक नज़र दिखाना पड़ेगा कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है ना, कम रहा है। अगर इसका परसेंटेज बढ़ते गया तब क्या होगा, ये स्ट्रांग होते रहेगा, ये स्ट्रांग होते हो जाएगा, तो 18,850 का हमको लोगों को दिखाई देगा कि सपोर्ट जो है स्ट्रांग दिखाई देगा, तब क्या होगा मार्केट में, मार्केट जो है ये मार्केट हो सके थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब का अपना सपोर्ट में थोड़ा आएगा नीचे, और नीचे का थोड़ा सा डाइवर्जन लेगा, थोड़ा सा 10 पॉइंट का डाइवर्जन लेके मार्केट क्या करेगा, वहाँ से नीचे गिर जाएगा, धराम से नीचे गिरेगा एकदम। या डाइवर्जन भी हो सके तो नहीं लेगा, मार्केट एकदम नीचे गिर जाएगा, ये 110% एकदम मार्केट नीचे गिर के क्या आएगा, मार्केट नीचे गिर के 18,850 तक का आएगा, आके मगर लो भी लगा सकता है, जो 18,800 का भी लो लगा सकता है मार्केट। तो ये सब सिचुएशन को आप लोग को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत किस्म का सिचुएशन है। और क्या, अगर आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट से बनते हुए जा रहा है, जैसे कि सपोर्ट से हमको बनते हुए जा रहा है कि रेजिस्टेंस तरफ, है ना, ये सपोर्ट से बनते हुए हम लोग को जा रहा है कि रेजिस्टेंस तरफ, हम लोग को सपोर्ट से हम लोग बनते हुए रेजिस्टेंस तरफ जा रहा है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अगर ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर बढ़ते गया, ये वॉल्यूम का हम लोग को परसेंटेज को ध्यान देना पड़ेगा, अगर ये वॉल्यूम बढ़ते गया और ये वॉल्यूम अपनी अपनी स्ट्रांग हो गया, तब क्या होगा, मार्केट तोड़ तार के चल जाएगा, आर एक डाइवर्जन, है ना, ये डाइवर्जन तोड़ तार के
ऊपर चल जाएगा मार्केट, यहाँ से तोड़ करके ऊपर चल जाएगा। कहाँ है, पहले था यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा था जो रेजिस्टेंस जो स्ट्रांग था वो डब्ल्यू टी टी का होने के वजह से हम लोग का हुआ मार्केट यहाँ पर आके अपना रेजिस्टेंस स्ट्रांग कर लिया। तो यही सब सीनरी आपको समझना पड़ेगा, जब भी मार्केट में डब्ल्यू टी टी दिखाई दे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट जो है और बुलिश होने वाला है, और जब मार्केट में डब्ल्यू टी बी दिखाई दे तब आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में बियरिश मूवमेंट होने वाला है। बट आपको देखना पड़ेगा कि कॉल साइड में क्या हो रहा है, कॉल साइड का प्रेशर का है, अगर कॉल साइड का प्रेशर यार ये भी भाग रहा है तो आप समझ जाइए कि उस दिन बहुत बढ़िया एक बियरिश मूवमेंट हम लोग को मिलेगा। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में इधर 19,000 तरफ हम लोग दिखाई दे रहा है, कॉल साइड में दिखाई दे रहा है कि मार्केट में हम लोग को डब्ल्यू टी टी है और यहाँ पर हम लोग को, तब हम लोग क्या होगा, हम लोग को बहुत बेहतरीन एक दिखाई देगा बुलिश ट्रेंड, है ना। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी मार्केट में डब्ल्यू टी टी रहे या डब्ल्यू टी बी रहे मार्केट में, तो हरदम आप लोग वॉल्यूम चेक करते रहिए कि इसका परसेंटेज बढ़ रहा है या नहीं। इसका अगर परसेंटेज बढ़ता रहा तो क्या होगा, मार्केट में ये 18,550 का जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग दिखाई दे रहा है ये स्ट्रांग होते जाएगा और मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से 18,950 का 50 से मार्केट अगर 18,850 तक चलाएगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे तरफ मूवमेंट दे देगा, है ना। तो यही सब चीज़ आप लोग को दोस्तों समझना पड़ेगा, वॉल्यूम को ज़्यादातर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब भी मार्केट में खेलना है, सीखना है, देखना है, ट्रेड लेना है, तो वॉल्यूम को आप लोग देखिए, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एलटीपी कैलकुलेटर में, क्या ट्रेडिंग में ही बहुत वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस का ये प्रीमियम में बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, है ना, ये ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका प्रीमियम जब बढ़ेगा सेलर खरीदेगा, सेलर जब खरीदेगा जानता है कि प्रीमियम बढ़ेगा, बढ़ाता कौन है बायर और खरीदता कौन है सेलर, कहें कि प्रीमियम बढ़ेगा बायर खरीदेगा, प्रीमियम बढ़ेगा सेलर खरीदेगा, और अगर जब मार्केट गिरेगा तब अपना सेलर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो इस तरह अगर आप लोग को मिले तो एक चीज़ है जो सेफ ट्रेडर के लिए, सेफ ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड ना करे, है ना, सेफ ट्रेडर जो है वहाँ पर ट्रेड ना करे। कब ट्रेड करिएगा, जब हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू टी बी है और इसका परसेंटेज जब हम लोग को दिखाई दे रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि ये इसका परसेंटेज ख़त्म हो रहा है आस्ते आस्ते, पूरा 76% 75% तब जगह पूरा पूरी जीरो हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये पूरा पूरी वाइट हो जाएगा, तब आप लोग का खरीदना है सपोर्ट से, आप लोग को एक कॉल बाई करना है, उसका आगे आपको कॉल बाई नहीं करना है। अगर आप लोग को इस तरह मूवमेंट में कॉल बाई करते हैं तो मार्केट में हो सके तो 19,100 तक मार्केट आने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह होता है ना तो मार्केट क्या करता है, 19,000 जो हम लोग को दिखाई दे रहा है जो रेजिस्टेंस है, अगर ये डरा जाएगा तो क्या करेगा, मार्केट का वॉल्यूम अगर यहाँ पर बढ़ते गया तो मार्केट वहाँ से यहाँ तक नीचे चलाएगा, तब क्या होगा, मार्केट आराम से बिंदास आप कॉल में देखिएगा बढ़िया सा बढ़िया आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों सेफ ट्रेडर जो है हरदम ये सब सीनियरी में ना फंसे, अगर जब तक आपको क्लियर एगो ना मिले डाटा तब तक आप लोग को ट्रेड नहीं करना है ना। अगर यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में जो है, जो हम लोग को मार्केट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू टी टी है, तो क्या होगा कि इसका परसेंटेज को आप लोग को फॉलो करना है, परसेंटेज को देखना है। अगर ये परसेंटेज आस्था से पूरा कम के पूरा वाइट हो जाएगा, मतलब क्या ये परसेंटेज पूरा ये पूरा वाइट हो जाएगा, ये जो पीला दिखाई दे रहा है ये पूरा वाइट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तब क्या करना है, हम लोग को यहाँ रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड हम लोग को खरीदना है ना। ये रेजिस्टेंस से हम लोग को एक बिंदास पुट का ट्रेड खरीदना है, कहाँ तक खरीदना है, 18,950, मतलब कसार बोलता है कि एक डाइवर्जन में ही खरीदो, कहें कि जो नया सीख रहा है डाइवर्जन इसीलिए बोलता है कि आप लोग आस्ते आस्ते सीखते रहिएगा, डाइवर्जन से भी एक डाइवर्जन कितना का होता है जानते हैं, एक डाइवर्जन 50 पॉइंट का होता है याद रखिएगा, है ना, एक डाइवर्जन 50 पॉइंट का होता है ये हरदम याद रखिएगा। आप लोग इंदा मनी में अगर आप लोग देखते हैं, इंदा मनी में आप लोग देखते रहिए कि एक डाइवर्जन कितना का होता है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह ही करके आप लोग को ट्रेड करना है एलटीपी कैलकुलेटर में, और इसी तरह ही करके आप लोग को सीखते जाना है मार्केट में। देखिए दोस्तों ये एलटीपी कैलकुलेटर जो है टॉप ट्रेडिंग टूल्स होने वाला है आने वाला समय में, अभी आप लोग सीखते रहिए तो आगे जाके पछतावा नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो श्योर से श्योर एक लाइक कर दीजिए, आप लोग तो लाइक भी नहीं करते एक वीडियो को, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, हम सोचते कि नहीं मेरा वीडियो में हो सके तो कुछ खराबी हो रहा है, इसलिए इंसान आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दीजिए तो मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे और बढ़िया से बढ़िया हमको और अच्छा लगे कि आप लोग के लिए वीडियो बना के लेके आएँ और आप लोग के लिए और बढ़िया फार्मूला बना के लेके आए एलटीपी कैलकुलेटर को लेके।
सो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक श्योर करिए, करना ना भूले लाइक, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जो मुझे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, है ना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आप लोग का सभी को धन्यवाद जो इतना समय देखे मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं। सो जय हिंद, वंदे मातरम।